गैस देखो पूरे दाल का गंदा हो ही रहा है उस दिन का, और रात में मेरे से बूंदी गिर गई तो थी। कहाँ से सीखा है बटाटा बोलना, तेरे चक्कर में मैं भी पड़ रहा हूँ। तो हल्की हल्की ठंड हो चुकी है, घर अपना हो रहा है बेहतरीन गंदा, तो अपने को आज घर साफ करना है क्योंकि कल एक दिवाली की कोलैबोरेशन वीडियो शूट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, करनी हो चाहे नहीं करनी हो। घर गंदा रहता है तो इंसान का काम करने में मन नहीं लगता है, तो अभी देखो घर के हाल क्या। बिफोर दिखा देती हूँ, अभी भी मैं बहुत सारा तो एक्चुअली साफ कर चुकी हूँ। दिस इज माय रूम, मेरा रूम है। सामान इतने दिन से जो पड़ा है पड़ा है, ये कपड़े इधर पड़े हैं, ये इधर कुछ प्रोडक्ट, ये सूटकेस खुला पड़ा है इक्विपमेंट्स का, यहाँ पे सब सामान फैला पड़ा है, ये वापस करने जाने के कपड़े हैं, इधर ये स्टूल पे सामान फैला है, बाथरूम भी फैला ही है, इतना फैला हुआ मेरा रहता नहीं है, वरना बाथरूम का सारा सामान मेरा अलमारी में रहता है अक्सर, भी फैला हुआ है। दैट्स इट, अब हॉल दिखाते हो, ये देखो एवरीथिंग इज पूरा, यहाँ पे भी बर्तन नहीं है लकीली, बाकी सब कुछ फैला हुआ है। गैस देखो कितना गंदा हो गया, देखो ये कचरा पड़ा है यहाँ पे, कल रात में मेरे से बूंदी गिर गई थी। गैस देखो पूरे दाल का गंदा हो ही रहा है उस दिन का, और इधर ये अपना बिफोर है, अब आफ्टर देखेंगे, पहले सफाई कर लेते। जो कपड़े यहाँ पे स्टैक्ड होने चाहिए वो कपड़े पता नहीं कहाँ है, यहाँ पे कुछ भी स्टैक नहीं है, और मेकअप ऑर्गेनाइजर के भी हालात तो थोड़े खराब। स्टे विद मी गाइस, गिव योर बेस्ट विशेस एंड करेजेस एंड व्हाटएवर जो भी बोलते हैं, सब कुछ दे दो मुझे, क्योंकि आज मुझे हिम्मत की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरप्राइज्ड यू नो कि मैं अपने कपड़े कितना ज्यादा पहनती हूँ, मतलब ये मेरे क्लोजेट में तुमको जितने भी कपड़े दिख रहे हैं ना, ये ज्यादातर कपड़े मतलब ऐसे 5-5, 6-6, 7-7 साल पुराने हैं, जिनमें से सरप्राइजिंगली कुछ मेरे को अभी भी आ जाता है और कुछ बिल्कुल नहीं आता। जैसे जीन्स आना बहुत मुश्किल हो रही है, जीन्स का समझ में भी आता है चलो कि सिर्फ कमर की वजह से नहीं होती, अगर आपकी थाइस बढ़ गए हैं, अगर आपके हिप्स बढ़ गए हैं तो भी जीन्स आना बंद हो जाती है, तो जीन्स का समझ में आता है। ड्रेसेस जैसे कुछ कुछ ड्रेसेस हैं जो पहले की है वो मुझे अभी भी आ रही है, पहन रही हूँ, तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो आई वेयर माई क्लोथ अंटिल, और मतलब मेरे मैं अपने टी शर्टें वी शर्टें इतना पहनती हूँ जब तक मेरी टी शर्ट खुद हाथ पकड़ हाथ जोड़ लेती है मेरा, बस कर चल अब हमको पहनना छोड़ दे। बचा हुआ मेकअप है जो एडिशनल है वो अभी हम ये बड़े वाले डब्बे में देंगे, इसमें भी आएगा कि नहीं आएगा भाई। आई विल डील विद दिस बॉक्स लेटर वंस आई एम डन विद ऑल द क्लीन। सिद्धांत इज कमिंग, मेरे को उसके साथ जाना है भजिए का सामान लेके, धनिया बेसन और वो सब, बेसन नहीं हमारे घर, पहले फटाफट किचन साफ कर देती हूँ ताकि वापस आए। सो अब क्या काम बचता है, पैकेज खोल के कचरा पैक कर दिया है, डिशवॉशर लोड कर दिया है, ये तो सब सामान हमारे पास जगह ही नहीं है क्लियर करने के लिए, तो ये होगा। कॉफी भी ले आऊंगी यार, कॉफी भी खत्म। आई हैव दीज टू पैकेजेस, बट ये दोनों पैकेज मेरे को ध्रुव के साथ अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना है, तो जब तक अब वो घर नहीं आता तब तक यहीं पड़े रहेंगे। दिस इज माय रूम व्हिच इज क्लीन एंड आई क्लीन माय बाथरूम आल्सो टू एन एक्सटेंट, द मिरर्स आर क्लीन ही है, माय क्लोजेट यू गाइस सॉ ऑलरेडी क्लीन डेकोरेटेड। आई कैन टेक अ ब्रेक नाउ, आई विल डू अ लिटिल ग्रोसरी विद सिद्धांत, देख लेते हैं। आई हैव टू टेक कॉफी आल्सो, बट आई विल टेक अ ट्रॉली, वहाँ पे खड़े रहने में बहुत दिक्कत होती है, वरना से नाइस स्टोर, पूरा स्टोर घूम के जाना पड़ रहा है ना, क्योंकि हम एग्जिट वाली जगह से अंदर एंटर हो गए, तो नाउ आई हैव टू गो ऑल अराउंड फाइंड अ ट्रॉली। ट्रॉली लेना भी बहुत रिस्की होता है, क्योंकि ट्रॉली ले लो एक बार तो वो भरते जाते हैं भरते ही जाते हैं, बट ठीक है खाना तो हम खाते ही हैं। एग लेन में एग्स खरीदते समय पता है ना तुम्हें कि हम लोग क्या सोचते हैं, क्या डिसाइड करते हैं और कैसे खरीदते हैं। यू गाइस रिमेंबर हाउ डू वी बाय एग्स, फ्रॉम ऑल दिस रेंज वी फाइंड द चीपेस्ट वन, दैट्स हाउ यू बाय एग्स, दिस इज द चीपेस्ट वन। रिच एंड स्मोकी विद थोड़ी सी डार्क चॉकलेट। सर आई वांट टू ट्राई दिस, बट मुझे लग रहा है स्वीट होगी क्योंकि इसमें नोट्स ऑफ डार्क चॉकलेट लिखा है। स्वीट नहीं होता है।
हाँ तो फिर ले लेते, क्योंकि वो जैक डैनियल्स वाली भी घर पे पड़ी है, वो भी स्वीट सी है, वो गंदी सी लगती है। आई वॉन्ट डिल चिप्स यार, डू यू सी डिल चिप्स? वो डिल फ्लेवर के चिप्स आते हैं ना, डिल बोलते हैं ना कि दिल बोलते हैं? हाँ बट वो चिप सेक्शन में जाते हैं ना इधर। चल बेसन थोड़ा, नहीं सारे मिक्स कर देना उसमें। क्या चीज? एक ही बात है। I'm saying कि उससे तेरा जो बेसन का घोल रहता ना वो तू फिर स्टोर कर देती और बाद में नेक्स्ट टाइम। नहीं वो तो अब करना ही पड़ेगा यूज, क्योंकि सोडा डल गया ना उसमें। सीखा है बटाटा बोलना? तेरे चक्कर में मैं भी बटाटा बोल रही हूँ। बॉम्बे में बटाटा बोलते हैं ना, मराठी में बटाटा बोलते हैं ना। पी ले ना चाय, ले ले। अरे बहुत मस्त है चाय। वो कॉफी का बटन चालू कर, पावर बटन दबाओ। हाँ पानी डाला? पानी है? हाँ सब है। पावर कुछ हो गई, ब्रूलेटर आवर स्ट्रॉ? नहीं वो खुद ही शुरू हो जाएगा, बस वो ऑन हो गया ना, वो पावर बटन में हल्की सी ग्रीन लाइट जलती है।